हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज बात करने वाले TVS राइडर बाइक के बारे में। इस बाइक को करीबन मैंने 4 महीने पहले बाय किया था। आज हम इस बाइक का रिव्यू करने वाले हैं कि इस बाइक में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आई, ये मुझे कितना अच्छा लगा कितना बुरा लगा, और इसकी मैंने सर्विस भी करवा रखी है, 3-4 सर्विस करवा दी थी, उसके बाद ही आज मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ। तो इसलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। गाइज, ये है इस बाइक का लुक। लुक तो देखने में तो बहुत ही ज़्यादा शानदार दिखता है, और ये ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये करीबन मैंने इसको 11,470 किलोमीटर चला दिया है। इस बाइक के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम भी मुझे दिखी, जो कि आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। और ये बाइक वैसे दिखने में भी अच्छा है, चलने भी अच्छा है। ये हाईएस्ट इसमें 2 मोड है, एक इको है और एक है पावर मोड। इको मोड में 90 की स्पीड हाईएस्ट है और पावर मोड में 120 की, जो कि मैंने ट्राई किया था। ऑफकोर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, चल रहा है। और इसमें मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी एवरेज की लगी, जो कि कंपनी बोलती है कि ये 70 का एवरेज देगा, बट अभी आपको दिख रहा होगा ये 40 का दिख रहा है। करीबन 1 महीने पहले क्या हुआ कि इसमें 50-52 का एवरेज दिख रहा था, उसके बाद अपने आप 40 का दिखने लगा। उसके बाद मैंने एक बार बाइक सर्विस करवाई, उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं हुआ। फिर मैंने इसको कंपनी वाले को बोल कर वापस सर्विस करवाई सही से, तो उसके बाद वापस 50 का 54 का दिख रहा था। उसके बावजूद 2-3 दिन बाद में वापस 40 का हो गया। एवरेज में पता नहीं क्या है, कभी ऊपर कभी डाउन होता रहता है, और वापस अब 40 है तो ये सही होगा ही नहीं जब तक मैं इसकी सर्विस नहीं करवाऊँगा। और एक और इसमें मुझे प्रॉब्लम नज़र आई कि जैसे कि अभी ये 1 नंबर में, वैसे अगर ये 4 नंबर बाइक चला रहे हम 4-5 में, तो ऑटोमेटिकली इसमें कभी 2 नंबर दिखता है, कभी 3 नंबर दिखता है। मैंने सर्विस सेंटर में बात की, उसके बावजूद भी वो बोलते हैं कि ये तो नॉर्मल फॉल्ट है, बट ये नॉर्मल नहीं है, मेरे लिए तो नहीं है, बाकी आपके लिए होगा तो पता नहीं। उसके बाद ये मतलब मैं इसके सर्विस करवा के थक गया, बट ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही। एक ये एवरेज वाली और ये गेयर वाली, दोनों की प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो ही नहीं रही है। और मुझे इसके अंदर फ्यूल की ये प्रॉब्लम दिखी है मोस्टली। अगर कभी 3 पॉइंट होते हैं तो कभी सडनली 1 पॉइंट हो जाता है, कभी 1 पॉइंट का 3 पॉइंट हो जाता है, कोई फिक्स नहीं होता, कभी ऊपर कभी कभी नीचे ऊपर, मतलब पूरा का पूरा इस मीटर में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, बट इसका सॉल्यूशन कोई नहीं मिल रहा। और मैं यहाँ पे मतलब मेरे पास में 2 जगह पे सर्विस सेंटर है, तो वहाँ पर मैंने इसकी सर्विस करवाई, और मुझे इस बाइक की सर्विस मतलब बिल्कुल बेकार लगी। क्योंकि यहाँ पर मेरे नज़दीक में 2 सर्विस सेंटर है, तो वहाँ पे मैं क्या सर्विस करवाता हूँ, बट कोई भी फ़र्क नहीं होता, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम रहती है। उसके बावजूद मैं जहाँ से ये बाइक लिया था, वहाँ यहाँ से करीबन 70 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे गया, वहाँ पे सर्विस कराई, तो वहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे मुझे एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। यहाँ पर करवा के दूसरे दिन ही वहाँ पर गया, तो वहाँ पर भी एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ा मुझे। पहले मैंने यहाँ पर सर्विस कराई तब 750 रुपये दिए थे, उसके बाद दूसरे दिन ही मैं गया था जहाँ से बाइक लाया वहाँ पर, क्योंकि मुझे इसमें सर्विस सही से नहीं लगी, क्योंकि एवरेज में भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती ना गियर की प्रॉब्लम सॉल्व होती। उसके बाद जहाँ से ये मैंने बाइक लिया वहाँ पे मैं गया था सर्विस करवाने के लिए, बट उसके दूसरे दिन गया, उसके बावजूद भी वहाँ पे जाने के बाद मुझे 1,350 रुपये देने पड़े सर्विस के, जो कि मुझे तो सही नहीं लगा, क्योंकि 1 दिन का फ़र्क था, वहाँ पर सर्विस सही नहीं, उसके बावजूद ही मुझे जाना पड़ा था। बट फिर भी कोई नहीं, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिला ही नहीं है। फिर भी ठीक है, बाइक चलने में अच्छा है, दिखने में अच्छा है, सिर्फ एवरेज और इसकी गियर की प्रॉब्लम आ रही है, बाकी तो दिखने में आपको दिख ही रहा होगा अच्छा ही है। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये मेरा बाइक का फर्स्ट रिव्यू वीडियो है, अगर अच्छा लगे तो अच्छी बात है, नहीं लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना क्या क्या प्रॉब्लम है ये।
मैं अब की बार वीडियो बनाऊंगा तो थोड़ा सही बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।